एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक 100% नेचुरल पैराबेन फ्री एंड सल्फेट फ्री शैम्पू का रिव्यू, एंड दैट इज़ दिस। आप देख सकते हैं, दिस इज़ नेचर स्योर जोंक शैम्पू। सो गाइस, इसका जो हेयर ऑयल, उसका रिव्यू मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर डाल दिया है, आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। एंड वो हेयर ऑयल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इट हैज़ रियली रिड्यूस्ड माई हेयर फॉल, माई डैंड्रफ प्रॉब्लम्स हैज टोटली गॉन अवे आफ्टर यूजिंग दैट ऑयल। सो इस वजह से मैंने इसको भी ट्राई किया, एंड ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इसका इन डिटेल रिव्यू, इसको कैसे यूज़ करना है इसके बारे में सब डिटेल्स। सो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखें। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बोलना चाहती हूँ, दैट इज़ मेरे चैनल में गिव अवे चल रहा है। अगर आपने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है गाइस, देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, आप जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। तो उसमें मैं देने वाली हूँ 3 स्विस ब्यूटी पैलेट्स। सो इफ़ यू आर लकी, देन डेफिनेटली आपको एक पैलेट उसमें से मिल सकता है। गिव अवे के सारे रूल्स मैं डाल दूंगी इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज़ डू चेक इट आउट। एंड मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि गिव अवे का जो फर्स्ट रूल है, दैट इज टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ लाइक एंड शेयर इफ दिस इज रियली हेल्पफुल। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। नेचर श्योर का जोंक शैम्पू इस तरीके का एक बेसिक प्लास्टिक काइंड ऑफ पैकेजिंग में आता है। इट्स ऑल्सो पॉम पैकेजिंग, सो इसको यूज करना बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है। इसमें हमको मिल जाता है 300 ml ऑफ शैम्पू। पीछे कुछ डिटेल्स मेंशन है, दिस इज सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री, 100% नेचुरल, एंड दिस इज आयुर्वेदिक प्रोप्रिएटरी मेडिसिन। इसमें कुछ बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं, दैट आर एलोवेरा, आमला, बहेड़ा, सिकाकाई, अरीठा, हरड़, मेथी, नीम। ये सब इंग्रेडिएंट्स बहुत ही अच्छे होते हैं हमारे हेयर के लिए, पर्टिकुलरली जो आमला एंड सिकाकाई बहुत ही अच्छा होता है फॉर हेयर। एंड अगर हमारा हेयर में डैंड्रफ का इश्यूज हैं या कुछ फंगल इन्फेक्शन है, फॉर दैट मेथी एंड नीम आर वेरी गुड। एंड एलोवेरा तो आपको पता ही है, एलोवेरा इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर हेयर, इट इज़ लाइक अ नेचुरल कंडीशनर फॉर हेयर। इसको कैसे यूज़ करना है वो यहाँ पे मेंशन है, अप्लाई सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ नेचर श्योर जोंक शैम्पू ऑन वेट हेयर, मसाज एंड लैदर इनफ टू कवर एंटायर स्कैल्प एंड हेयर स्ट्रैंड्स, रिंस विथ वाटर। इसमें नेचुरल ऑयल्स यूज हुए हैं, जो कि हमारे हेयर को एक बहुत ही अच्छा थेरेपी प्रोवाइड करता है। तो अगर आपका हेयर बहुत ज़्यादा वीक एंड डैमेज्ड है एंड ब्रिटिल है, एंड बीच में से टूट जाते हैं, या आपका बहुत ही ज़्यादा स्प्लिट एंड्स हैं, देन डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छे से काम करता है उसके ऊपर। एंड ये हेयर को क्लींस करता है। हमारे स्कैल्प में अगर कुछ भी इन्फेक्शंस हैं, कुछ भी लाइक डैंड्रफ या कुछ भी अदर काइंड ऑफ हेयर कंडीशंस हैं, हेयर का इश्यूज हैं, तो उसके ऊपर ये बहुत अच्छे से काम करता है एंड हमारा हेयर रूट्स को अच्छे से नरिश करता है। दिस प्रोडक्ट इज़ ISO एंड GMP सर्टिफाइड। इससे हमको पता चलता है कि जो शैम्पू है इसका क्वालिटी अच्छा है, एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी सेफ एंड इफेक्टिव। आर गेटिंग 2 years ऑफ सेल्फ लाइफ टू यूज़ दिस शैम्पू। इसका प्राइस है ₹390। मैं आपको इसका कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ, ये इस तरीके का है। द स्मेल इज़ वेरी माइल्ड, इससे पता चलता है इसमें कुछ भी ऐसा ज़्यादा हार्श केमिकल्स यूज नहीं हुए हैं। सो मैं आपको इसको अभी थोड़ा दिखा देती हूँ। मेरे हाथों के ऊपर तो पानी नहीं है, फिर भी आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से लैदर करता है। सो फर्स्ट मैं आपको बोलना चाहती हूँ अबाउट जोंक थेरेपी, दैट इज लीच थेरेपी। सो गाइस, बेसिकली ये एक टाइप का थेरेपी होता है, जिसमें कि अगर हमारा हेड के अगर हमारा जो स्कैल्प है वहाँ पे कहीं पे भी थोड़ा लेस हेयर है, या बाल्डनेस है, या एलोपेशिया है, इन दैट केस वहाँ पे जोंक रखा जाता है। पैरासाइटिक वर्म होता है जो कि ब्लड सक करता है, तो उसको क्या हो करते हैं ना, जहाँ पे हमारा बाल्डनेस होता है वहाँ पे रखा जाता है। तो लीच जो होता है वहाँ से ब्लड सक करता है, तो हमारा वहाँ पे स्कैल्प के ऊपर बहुत ही अच्छे से माइक्रो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है, एंड जो भी हमारा मतलब वहाँ पे जो भी हमारा इम्प्योर ब्लड हो वो सारा उसको सक कर लेते हैं। अगर हमारा किसी भी जगह पे स्कैल्प के ऊपर बाल्डनेस है, तो वहाँ पे हेयर का ग्रोथ होता है, रीग्रोथ होता है। इस वजह से लीच थेरेपी लोग लेते हैं, बट लीच थेरेपी इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। मेरे केस में तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी, क्योंकि आई एम सो मच स्केयर्ड ऑफ लीच। मुझे तो कीड़े वैसे भी बहुत ज़्यादा डर लगता है, इन दिस केस वो भी लीच जो कि ब्लड सक करता है। सो आई एम सो मच स्केयर्ड, आई नॉट गो फॉर दैट थेरेपी एट ऑल। लीच थेरेपी का जो सारा जो बेनिफिट्स वो हमको मिल सकता है इस शैम्पू के और से। सो इस वजह से ये जो शैम्पू है बहुत ज़्यादा अच्छा है फॉर हेयर फॉल प्रॉब्लम्स एंड मेनली डैंड्रफ प्रॉब्लम्स। ये है एंटी डैंड्रफ एंटी हेयर फॉल शैम्पू, एंड बहुत ही अच्छे से ये हमारा हेयर को शाइन भी प्रोवाइड करता है। अगर हमारा शाइन हेयर के ऊपर से चला जाता है ड्यू टू यूजिंग हार्श शैम्पूज या केमिकल या कलरिंग, तो बहुत ही अच्छे से ये हमारा जो साइन उसको रिस्टोर करता है। इट इज़ वेरी माइल्ड ऑन हेयर, आपको ज़्यादा हार्शनेस नहीं लगेगा आफ्टर यूजिंग दिस शैम्पू।
मतलब कभी कभी हमारे जो हेयर एंड स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है ड्यू टू यूजिंग हार्श केमिकल वाले शैम्पू, बट दैट इज़ नॉट द केस विद दिस। आई हैव ऑलरेडी यूज दिस शैम्पू मेनी टाइम्स एंड आफ्टर ट्राइंग इट सो मेनी टाइम्स आई एम रिव्यूइंग दिस एंड आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विथ यू ऑल। मेरा जो हेयर को बहुत ही अच्छे से ये वॉश करता है एंड इट रिमूव्स ऑल इम्प्यूरिटीज डर्ट। मेरा जो हेयर है दैट इज़ वेरी थिन, अलॉन्ग विद दैट मेरा जो स्कैल्प वो बहुत ज़्यादा ऑयली एंड स्वेटी हो जाता है इन समर्स। एंड अभी का तो मानसून का सीजन चल रहा है तो बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी है अभी, सो इस वजह से मेरा हेयर भी कभी कभी बैठ जाता है एंड बहुत ही गंदा लगता है गाइज, तो मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बट ये जो शैम्पू इसको यूज़ करने के बाद मेरे हेयर में बहुत अच्छा वॉल्यूम रहता है एंड आई गेट दैट बाउंसीनेस विच आई लुक फॉरवर्ड इन एनी शैम्पू। एंड ये शैम्पू सभी के लिए है, मेन वीमेन एवरी वन कैन यूज दिस शैम्पू। इफ़ यू हैव गॉट ऑयली या ड्राई हेयर या स्कैल्प या आपका बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होता है, डैंड्रफ का इशूज़ हैं, हेयर फॉल का इशूज़ हैं एंड हेयर रिग्रोथ भी नहीं होता है, बालनेस का इशूज़ है, देन डेफिनेटली आप ये जो शैम्पू इसके यूज़ कर सकते हैं जिससे 100% नेचुरल। सो ऑब्वियसली इसका बेनिफिट्स आपके हेयर को मिलेगा। इसको यूज़ करना कैसे मैं आपको बोल देती हूँ। पहले मैं यूज़ करती हूँ ये जो ऑयल, दिस इज़ नेचर श्योर जोंक तेल लीच ऑयल एंड फिलहाल मैं इसी को ही यूज़ कर रही हूँ एंड इसका इन डिटेल रिव्यू भी मेरे चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा। फर्स्ट मैं क्या करती हूँ ना, मैं इसको मसाज करती हूँ मेरे हेयर के ऊपर अराउंड 10 to 15 minutes नाइट टाइम में एंड उसके बाद मैं सो जाती हूँ एंड मॉर्निंग को मैं धोती हूँ मेरा हेयर को यूजिंग दिस शैम्पू, दिस जोंक शैम्पू एंड मुझे बहुत ही अच्छा बेनिफिट्स मिला है गाइस। ऑनेस्टली मुझे बहुत ही अच्छा बेनिफिट्स मिला है यूजिंग दिस ऑयल एंड दिस शैम्पू, सो मैं भी आपको रिकमेंड करती हूँ आप इसको ज़रूर ट्राई आउट कर सकते हो। गाइज आई होप दिस वीडियो इज़ रियली हेल्पफुल एंड अगर आपका कुछ भी डाउट्स है या क्वेरीज है आप ज़रूर मुझे पूछ सकते हो इन कमेंट सेक्शन एंड आई होप यू विल पार्टिसिपेट इन द गिव अवे जो मेरे चैनल पे अभी चल रहा है। सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।